एक दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से सामने आया है, जहां शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए सिपाही की हत्या कर दी, तो वहीं दरोगा की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये मामला सामने आया है थाना सिद्धपुर क्षेत्र के गांव नगला धीमर से, जहां दरोगा अशोक कुमार और सिपाही देवेंद्र जसवंत शराब माफिया के ठिकाने पर दबिश करने पहुंचे थे। वहां अचानक से शराब माफिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर दोनों पुलिस कर्मियों की वर्दी उतरवा कर उन्हें लाठी डंडों और अन्य हथियारों से बेरहमी से पीटा, जिसके बाद अपराधियों ने लहूलुहान दरोगा और सिपाही को खेत में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलते ही दरोगा और सिपाही को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां सिपाही की मौत हो गई और दरोगा की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद पुलिस टीम ने मुठभेड़ में शराब माफिया को मार गिराया, तो वहीं मुख्य आरोपी मोती फरार बताया जा रहा है, जिस पर पहले से 11 मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। तो वहीं इस घटना पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के साथ NSA लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए और एक आश्रित को नौकरी देने की घोषणा की है।